तू बोल, तू इंट्रो ले। तो गाइस आज हम किसका किस मैं शुरू करती हूँ। तो गाइस आज हम बनाने वाले फिर से एक और नया रिएक्शन वीडियो। तो आज का रिएक्शन वीडियो होगा ट्रिगर्ड इंसान, माय फेवरेट यूट्यूबर। तेरे तो सारे ही फेवरेट यूट्यूबर। नहीं, ये थोड़े ज्यादा है, ये ज्यादा है। हाँ तो शुरू करें। मैं खुद आती हूँ। हाँ, मैं अपने आप को भी तो पसंद कर सकता है इंसान। तो शुरू करें। एक दो तीन चालू। और हमारी बॉलीवुड की फिल्मों का एक और नॉर्मल दिन। यप, 280 किलो के 6-6 फुट के नौजवानों को जॉन भाई ने ऐसी पेट में घूसा मार के आटे की बोरी की तरह हवा में उड़ा दिया है। बट दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल। और ऐसी जॉन भाई इनकी पिटाई कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। अब जॉन भाई तो नेशनल एंथम सुनते ही एकदम अटेंशन पोज में आ गए, लेकिन गुंडे, वो तो गुंडे है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो लगे रहते हैं जॉन भाई को मारने। गुंडे ने बैट मारा, लेकिन बैट ऐसे टूट गया जैसे कागज का बैट हो। डंडा भी कागज की तरह टूट गया। अरे सर पे बेसबॉल बैट तक मारा, वो भी कागज की तरह टूट गया। इसके बाद क्या ही बचा है भाई, टेबल बचा है, मारो टेबल। वो भी तो कागज की तरह ही टूटेगा ना, फिर तो टूट गया। बट चलो ठीक है, अब इससे ऊपर क्या ही दिखा सकते हैं। अरे वाह, एक हाथ से बाइक रोक दी, बट इसमें क्या ही है, ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं भी कर दूं। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अरे वाह, बाइक समेत ही बंदा समेत सब कुछ उठा लिया, और उठाया तो उठाया, उसके बाद उसको राउंड राउंड घुमा भी रहा है। देखो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और पीछे ये भाड़े के 10-10 रुपए वाले एक्टर्स को देखो, इनको अलग ही जीवन का आनंद मिल रहा है। 10 रुपए में बहुत ज्यादा एक्टिंग करा ली, 10 रुपए ताली मारने के अलग से लेंगे। और एक बारी को मैं ये मान भी लूं कि सच में ऐसा कर्तव्य किया जा सकता है, इंसान समेत बाइक को उठाया जा भी सकता है, तो भी तुम देखो बाइक को पकड़ा कहां से हुआ है, फुटरेस्ट और ब्रेक से। अबे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम की कोई चीज है या नहीं? आप पहले बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे मैं एक बॉडी का पूरा मास, उसका वेट अज्यूम कर सकता हूं। अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं यहां पे अज्यूम कर सकता हूं। किस पे सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंटर में लगेगी। अब यही सोचो, अगर एक 3-डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, इसका सेंटर कहां पे है? यहां पे। अगर मैं इसको इस जगह से पकड़ूंगा तो मैं बॉडी को पूरा बैलेंस कर सकता हूं। लेकिन अगर 400-500 किलो की एक बाइक होगी और मैं उसको उसके कोनों से अगर पकड़ूंगा तो क्या होगा? यही होगा, वो एक तरफ से झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, लेकिन मैं फोर्स इस कोने पे लगा रहा हूं। लेकिन ये चीज हमारे बॉलीवुड में लॉजिक में नहीं आती है। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। फेंक दो इसको जॉन भाई, फेंक दो, मैं तो कह रहा हूं चांद पे उठा के फेंक दो। अरे मैं मजाक कर रहा था, सच्ची में नहीं फेंकना था। तो यूजुअली जब भी हम बॉलीवुड के कमाल कमाल के लॉजिक वाले सीन्स की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं काफी पुराने जमाने वाली मूवीज की, समथिंग लाइक दिस। यस, इन्होंने छत से गिरती हुई एक लड़की को बीच हवा में स्टैचू बोला, स्टैचू, as if वो गिरते गिरते एकदम से फ्रीज हो जाएगी हवा में, क्योंकि ग्रेविटी तो आपके पिताजी की है। तो मैं यही कह रहा था कि आज तक हम ऐसे ही पुराने जमाने के सीन्स देखते थे विदाउट लॉजिक वाले, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवीज की जो काफी रिसेंट है, पिछले 4-5-6-7 सालों में रिलीज हुई है। एंड क्योंकि वीडियो का इंट्रो है तो हम एक इंट्रो सीन से स्टार्ट करते हैं, जहां पे अपने भाई सल्लू भाई का इंट्रोडक्शन हो रहा है मूवी राधे में। विलन के घर का सीन है, हमारे विलन ने फोन निकाला और अपना फोन इस्तेमाल कर ही रहा था, तभी अचानक एक साया आया जो कि फ्लैश की भी स्पीड से ज्यादा तेज आया खिड़की के थ्रू और इसके चीक को कट करके चला गया। इसने फ्लैशबैक में सोचा, अरे भाई हुआ क्या, एंड तभी पता चलता है कि अपने भाई, अपने सल्लू भाई फ्लैश से भी ज्यादा तेज उड़ते हुए आए, इतनी तेज आए कि इसको दिखे ही नहीं, लेजिट दिखे ही नहीं, इतनी तेज थे अपने सल्लू भाई। और इतनी तेज एंट्री लेने के बाद ये उड़ता हुआ कांच उन्होंने अपने मुंह में लिया, विलन की तरफ फेंका, जिससे उसका चीक भी कट गया, सब कुछ हो गया और उस विलन को
कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि अपने सल्लू भाई ही इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव ब्रो, ही इज फास्टर देन फ्लैश। फ्लैश हु, कौन है बे? एंड यू नो व्हाट, उससे भी फनी चीज क्या थी कि ये विलन हमारे सल्लू भाई की शक्ल देखते ही लुढ़क गया। अबे कैसा विलन है, शक्ल देखते ही मर गया। आई नो इंट्रो सीन्स में ओवर द टॉप कुछ भी दिखाते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी जो अगला सीन है ना, ये देखने के बाद यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ ब्रेन सेल्स, क्योंकि फिल्म बनाने वाला भी यही सोच रहा था कि ऑडियंस तो बेवकूफी है तो उनको क्या ही समझ आएगा, कुछ भी दिखा देंगे। तो एक रैंडम से पार्क में खड़े होकर वरुण धवन एक बॉल को किक मारता है, जो बॉल उड़ते उड़ते एक पार्किंग लॉट में जाती है जहां पे बंदा फ्री स्टाइल करके उस बॉल को किक मारता है, जो कि उड़ते 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 किसी के घर के पार होते होते लंदन ब्रिज पे जाती है जहां पे ये बंदा उसके साथ ड्रिबल करके उसको कहीं और किक मारता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसको हेडर मारता है, वहां से उड़ते हुए जाती है। ये स्पोर्ट्स एथलीट उसको किक मारती है, वहां से उड़ते हुए आती है। नन उसको किक मारती है, जहां से उड़ते उड़ते वो एयरपोर्ट पे आती है। कैप्टन जी उसको किक मारते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं रुको जरा, सबर करो। वहां से वो पुलिस वाली उसको किक मारती है, जहां से उड़ते 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 वो रैंडमली किसी बिल्डिंग के अंदर चली आती है और हमारी फिल्म के विलन के सर पे बजती है सीधा, जो कि एस्केलेटर से नीचे गिर जाता है और सीधा कोमा में पहुंच जाता है। ये एक सीन नहीं है, ये एक आर्ट है, एक आर्ट। ये बनाने वालों ने ना घुटनों से सोच के इस सीन को लिखा है और इस सीन को समझ पाने के लिए तुम्हारा दिमाग भी घुटनों में ही होना चाहिए। बॉलीवुड वालों ने बड़े सितम करे बेचारे पे, बेचारा लॉजिक हमेशा से इसकी ऐसी की तैसी की जाती थी, बहुत बुली हुआ बेचारा बचपन से, लेकिन ये सीन देखने के बाद तो बेचारे ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी याद आएगी रे लॉजिक। अच्छा ये सीन देखो, अपने सन्नी पाजी को ना कुछ गुंडों ने घेर लिया है, ठीक है, बहुत सारे गुंडे हैं डंडों के साथ। अब सन्नी पाजी ना क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे, बहुत इंटेंस मोमेंट है। सन्नी पाजी अकेले, इतने सारे गुंडे, ओ माय गॉड, क्या वो इन सबको कूट देंगे? नहीं। यार क्या, ये क्या था? ओ नो मैन, क्या बोलूं मैं इसके बारे में? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा था कि बस इतना ही है तो नहीं, अभी और है। इसके बाद कुछ गुंडे सन्नी पाजी की तरफ जो है वो मटके फेंकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बचपन से हमें क्या बताया जाता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम वेट्स फॉर नोबडी, बिल्कुल गलत बताया जाता है। टाइम आपके लिए रुक सकता है अगर आप बॉलीवुड के हीरो हैं। सन्नी पाजी ने एक एक मटके को एनालाइज करा और हवा में स्टैचू कर दिया, उसके बाद ऐसे करके उन्होंने देखा और फट 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 करके एक एक को मार दिया। इस पूरी ड्यूरेशन में टाइम, ग्रेविटी, फिजिक्स, लॉजिक और कॉमन सेंस, ये कहां थी? ये कोने में बैठ के पॉपकॉर्न खा रही थी। दिखाओ कैमरामैन, वो देखो वहां पे पॉपकॉर्न खा रही है। जी हाँ, तो टाइम आपके लिए रुक सकता है अगर आप बॉलीवुड के हीरो हैं। एंड अब हम कमाल कमाल के सीन्स की बात कर रहे हैं तो हम टाइगर भैया को कैसे भूल सकते हैं। टाइगर भैया की बागी 3 बेस्ट मूवी एवर। अरे ये 90 का एंगल, ये सिक मूव वैसे मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी तुम्हें दिखा रखी है, लेकिन स्टिल मेरे कभी ये चीज पल्ले नहीं पड़ती कि भाई उस बंदे ने लात हवा में कर रखी है और तीन लोग एक के बाद एक आते हैं, टोंग 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 करके तीनों उसकी लात में टकराते हैं और मर जाते हैं। बट ठीक है, इसे छोड़ो, असली इस मूवी में मजा आता है सेकंड हाफ में, जब टाइगर भाई हमारे सीरिया पहुंचते हैं। वहां पे पूरी सीरिया वर्सेस टाइगर भाई अकेले, 1,00,000 लोग टाइगर भाई पे गोलियां चला रहे हैं। बट नहीं, अपने टाइगर भाई को कोई गोली थोड़ी ना लग सकती है क्योंकि वो अपने बॉलीवुड के हीरो है और अपने बॉलीवुड के हीरोज बुलेट प्रूफ नहीं, बुलेट रेजिस्टेंट है। गोलियां उनके पास आती है और रास्ता बदल लेती है, कह रही है अरे मरना ही क्या मेरे को, ये तो बॉलीवुड वाला है, छोड़ रहे हैं, बस सॉरी बोल के निकल लेती है गोलियां साइड से। इस सीन में 3 हेलीकॉप्टर अपने टाइगर भाई पे अंधाधुन गोलियां चला रहे हैं, ठीक है, गोलियां क्या मतलब, रॉकेट लॉन्चर, बॉम्ब सब कुछ उनके ऊपर चला रहे हैं और अपने टाइगर भाई ऐसा स्लो मोशन में उनके आगे भाग के जा रहे हैं। एक भी गोली उनको लगी नहीं रही है, पूल एकदम ब्लास्ट सब हो गया है, लेकिन अपने टाइगर भाई को कुछ नहीं होता। एक चीज याद रखना, इस सीन में 3 हेलीकॉप्टर है और तीनों टाइगर भाई के पीछे से उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और तभी अचानक टाइगर भाई एक बॉम्ब से आगे की तरफ उड़ते हैं और उड़ के उन पीछे वाले 3 हेलीकॉप्टर में से एक के ऊपर लटक जाते हैं। ये कैसे हुआ?
क्योंकि हेलीकॉप्टर तो पीछे की तरफ थे, टाइगर भाई उनसे दूर भाग रहे थे और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद वो आगे और आगे की तरफ उड़ के गए, लेकिन उड़ते उड़ते वो पीछे वाले हेलीकॉप्टर पे टेलीपोर्ट हो गए। ये कैसा हेलो कंटिन्यूटी? देखो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर देखो यहाँ पर तीन हेलीकॉप्टर हैं और एक इंसान इस दिशा में भाग रहा है और वो ऐसे की तरफ उड़ेगा अगर, तो वो क्या अगले सीन में इनके पीछे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से तो वो इस दिशा में भाग रहा था, तो वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया? इसका मतलब वो दिशाहीन हो गया है, जो कि टाइगर वैसे भी हो गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये कॉफी लेंगे, अब ये ग्लास मैंने कॉफी का जो है खाली कर दिया, तो कंटिन्यूटी में अब ये ग्लास खाली रहेगा। अब ये नहीं हो सकता कि अगले सीन में एकदम से यहाँ पे ग्लास जो है भरा हुआ आपको दिखने लग जाएगा, नहीं। तो यही होती है कंटिन्यूटी, जो कि हमारे बॉलीवुड के 10वीं फेल। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें 2021 में रिलीज हुई आज तक की सबसे लेजेंडरी मूवी सत्यमेव जयते 2 का सीन दिखाया था, एंड अगला सीन भी ये उसी मूवी का है। तो मूवी का क्लाइमैक्स सीन चल रहा है एंड जो विलन है ना वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ने वाला है, लेकिन अपने जॉन भाई जिन्होंने स्टार्टिंग में बाइक उठा दी थी, अब वो ना उस उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को ऐसा हाथों से अपने रोक देते हैं, लेकिन एक जॉन अब्राहम कम पड़ रहा होता है। तो क्या होता है, जो अपने जॉन भाई है ना उनका एक भाई होता है इस मूवी में और वो भी जॉन भाई है, तो वो दोनों भाई मिलके अब जो है वो हेलीकॉप्टर को रोक रहे होते हैं और बहुत भाई स्ट्रगल हो रही है, बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन दोनों जॉन जो है ना मिलके वो रोक नहीं पा रहे हैं उस हेलीकॉप्टर को। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब दो जॉन अब्राहम कम पड़ रहे हैं? तो फिल्म बनाने वालों ने सोचा क्योंकि दो जॉन अब्राहम कम पड़ रहे हैं एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, हम एक तीसरा जॉन अब्राहम भी डाल देते हैं। जी हाँ, ये जो दो जॉन तुमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इनके एक मरे हुए पिताजी भी होते हैं, वो भी जॉन अब्राहम ही होते हैं, उनकी आत्मा आ जाती है इस हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई भूतिया मूवी नहीं है, सच में उनके मरे हुए पिताजी की आत्मा आ जाती है और वो आत्मा सबको दिख रही होती है। और अब ये तीन जॉन अब्राहम, जिनमें से दो तो भाई है और एक उनके मरे हुए पिताजी है, वो आत्मा, ये तीनों जॉन मिलके जो है हेलीकॉप्टर को नीचे खींच देते हैं। ये मूवी इस सदी की सबसे लेजेंडरी मूवी है, दिस इज अ कल्ट क्लासिक, मतलब ऐसी मूवीज ना कभी वर्षों में एक बार बनती है। एंड अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आ गए ना, मैं पक्का इस मूवी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब मुझे नहीं पता तुम लोग ये चीज समझ पाओगे, तुम लोग नोटिस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन लास्ट मंथ मैंने एक मूवी देखी थी एक विलन रिटर्न्स नाम की, उसका एक सीन जिसमें अर्जुन कपूर बाइक स्टंट कर रहा होता है, डूड इतना फेक CGI। एक बार अर्जुन कपूर का फेस ध्यान से देखो डूड, आज से 20-30 साल पहले भी इससे ज्यादा अच्छे बाइक स्टंट सीन्स कर लेते थे लोग, ये इतना फेक CGI कर रखा है इन्होंने एक ऐसी मूवी में जो 2022 में रिलीज हुई है, वो भी 100 करोड़ के बजट पे, इतना फेक CGI कैसे है? एंड बता, मैं ये मूवी ना अपने दोस्तों के साथ देखने गया था एंड कॉन्ट्ररी टू द रिव्यूज हमें ये मूवी सही लग रही थी, बट फिर ये सीन आया एंड वी वर लाइक अबे क्या हग दिया भाई, इससे अच्छा ना ही दिखाते उसकी शक्ल पास से, दूर से दिखा लेते। एनीवेज गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मेरे पास और भी सीन्स है तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे ना, और नेक्स्ट पार्ट कब बनाएंगे? जब तुम इस वाली वीडियो को लाइक करोगे तो लाइक कर देना। एंड तुमने कौन सी सबसे कमाल की लॉजिक वाली मूवी देखी है रीसेंट टाइम में, कमेंट्स में मेरे को बताना, ताकि उसके भी हम सीन्स को यूज कर सकते हैं आने वाली वीडियो में। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी? क्या मस्त लगी, अमेजिंग। और शिवानी को कैसी लगी? मुझे भी अच्छी लगी। रिया करेगी बाय। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो। एक मिनट, सबसे फनी सीन कौन सा लगा मुझे? यार जब वो हवाई जहाज रोका, मुझे नहीं मुझे ये लगा, पहले तो एक भाई रोक लेता है, फिर उसके बाप की आत्मा आ जाती है रोकने के लिए, और एक बाइक बाइक वाला। हम देखो, आई मैं बताती, मैंने इसे मारा, अभी लौट के मुझे हमारे स्टैचू। सो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना, समझ गए ना? Thanks for bye. 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 Bye